नमस्कार सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तु के अनुसार जो हमारा रिलेशनशिप है, जो हमारा बॉन्ड है एक दूसरे पे, जो ट्रस्ट फैक्टर है, ये कौन से डायरेक्शन जुड़े हुए हैं और वास्तु के अनुसार कौन से रेमेडीज यूज करके इनको बैलेंस किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले रिलेशनशिप क्या होता है कि आपके जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो गया, आपके आपके परिवार के साथ जो संबंध है, आपके जो कलीग्स यानी जिनके साथ आप काम करते हैं, जो स्टाफ है या फिर जो आपके कस्टमर्स है उनके साथ जैसे आपका कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है वो कैसे होता है, क्या वो आप पे भरोसा करते हैं, जो बॉन्ड है वो किस तरीके से है, और जब जीवन में आपको आगे ग्रो करना है क्या वो सब व्यक्ति जिनके साथ आपका संबंध है क्या वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो आपकी मदद कर रहे हैं ग्रो करने में, तब वो आगे आके आपकी मदद नहीं करते, तब इन सब के लिए कौन से डायरेक्शन एंड रेमेडीज करना है वो आज के हम सीखेंगे। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो सबसे पहला आता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन बेसिकली पृथ्वी तत्व है जो जोन आपके बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। यानी घर का अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर नेगेटिव हो जाए या वहां का अर्थ एलिमेंट वीक हो जाए तब आपके जो परिवार है वो टूटना शुरू हो जाता है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं हो पाता, लोग आपको धोखा देते हैं एंड जब आपको किसी की आवश्यकता होती है वो आके आपको मदद नहीं करते अगर साउथ वेस्ट नेगेटिव है। इन एडिशन जो दूसरा डायरेक्शन है वो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बेसिकली आपके जो फन मूवमेंट्स है, जो वेकेशन है, खुशियों के पल है, ये सब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है। यानी अगर साउथ वेस्ट बैलेंस्ड है और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नेगेटिव है तब इसमें क्या होता है कि आपके बीच में प्यार बहुत है लेकिन आप दिखा नहीं पाते, हर दिन आपके परिवार में झगड़े होते रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ छोटे छोटे बातों में झगड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरों को समझना नहीं चाहते, तब ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नेगेटिव होने के कारण है। यानी बॉन्ड स्ट्रांग है साउथ वेस्ट बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे, वो क्या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो ये दो डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इन एडिशन और भी अलग अलग डायरेक्शन और देवता चेक किए जाते हैं, जैसे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, वो किसी अफेयर के कारण हो गया या आपने कुछ गलत काम किया है, आप कमिटेड नहीं है, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आप सच नहीं बोल पा रहे, आपके हेल्थ इश्यूज के कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स और भी अलग अलग एनर्जी फील्ड्स और देवताओं के अनुसार देखा जाता है। तो सबसे पहले अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी नेगेटिव एनर्जीज है जैसे कि टॉयलेट हो गया, गलत किचन, गलत मेन एंट्रेंस या कोई भी ऐसा कलर्स जो जल तत्व एंड वायु तत्व यानी वाटर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उन सबको रिमूव करना पहले जरूरी है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बेसिकली वायु तत्व का दिशा है। इस जोन में अगर कोई भी स्पेस एलिमेंट रिलेटेड कलर्स यानी व्हाइट एंड ग्रे या फिर नेगेटिव एंट्रेंस टॉयलेट या किचन आ जाता है या फिर कोई एक भारी सामान आप इस दिशा में प्लेस कर देते हैं तो उसके कारण बाकी जो एनर्जी वाइब्स वो दूषित हो जाती है एंड उससे रिलेटेड जो बेनिफिट्स है जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले इन डायरेक्शंस को बैलेंस करने के लिए आप टेप एंड स्ट्रिप का यूज कर सकते हैं, यानी जो भी नेगेटिव एनर्जीज उनको आप ट्रैप कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते ताकि वो प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें। इन एडिशन एक बार एनर्जीज को ब्लॉक करने के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो है एम्पलीफाइंग, यानी कि एनर्जीज को बढ़ाने के लिए। उसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है जियोपैथिक रॉड्स। जियोपैथिक रॉड बेसिकली मेटल रॉड्स है जो उन दिशा संबंधित जो एनर्जीज उनको बढ़ाने के लिए, जैसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन पृथ्वी तत्व है, ब्रास एलिमेंट यानी ब्रास का जो मेटल है वो सपोर्ट करता है, इनसाइड अलग अलग क्रिस्टल्स जैसे कि 9 planets, 7 chakras और हर्बल प्रोडक्ट्स ये सब फिल्ड किए गए ताकि मेटल और क्रिस्टल के कॉम्बिनेशन से एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट किया जा सके। जियोपैथिक रॉड्स बेसिकली हमेशा भूमि में टच करना जरूरी है तब जाके एक्टिव होता है एंड इनके बेनिफिट्स आपको मिल पाते हैं। जो सेकेंड ऑप्शन आता है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जैसे एयर एलिमेंट का जियोपैथिक रॉड है जो स्टील से बनाया गया है और अंदर क्रिस्टल्स फिल्ड है जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के एनर्जी वाइब्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसी के साथ आपकी जो फैमिली फोटो है वो आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में हैंग कर सकते हैं ताकि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, एक दूसरे से बात कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, खुश रहे, और जितने भी ट्रिप्स या वेकेशंस कैंसिल हो रहे कोई ना कोई रीजंस के कारण वो सब बैलेंस हो जाए। जो सेकेंड ऑप्शन आता है रेमेडीज में जो आप यूज कर सकते हैं वो है हेलिक्स। हेलिक्स बेसिक मेटल के ऑब्जेक्ट्स हैं जो बेसिकली आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस करना है, यानी साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है, स्क्वायर शेप दिया गया, लेड बेसिकली राहु को रिप्रेजेंट करता है, 9 planets में जो राहु की एनर्जी से वो साउथ वेस्ट से जुड़ा हुआ है, बीच में बीज मंत्र दिया गया है, यानी जब आप इस हेलिक्स को साउथ वेस्ट वॉल पे प्लेस करेंगे तो वहां की जो एनर्जीज है वो बैलेंस हो जाते हैं। जब भी किसी दिशा में नेगेटिव एनर्जीज होते हैं तो उन शेप्स के जो डिजाइन रहते हैं, फ्रीक्वेंसीज रहते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आते हैं, तो जब आप इस हेलिक्स को प्लेस करेंगे तो वो वापस से सही शेप में आ जाएंगे ताकि आपको बेनिफिट्स मिल सके। यानी साउथ वेस्ट में अगर आपका कट है या एक्सटेंशन है तो एनर्जीज को सही शेप एंड फॉर्मेट में लाने के लिए आप हेलिक्स यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट रेमेडीज ऑप्शन है वो है लव बर्ड्स। लव बर्ड्स बेसिकली फेंग शुई में सबसे बेस्ट माने जाते हैं जो आपके रिलेशनशिप को डिनोट करे, क्योंकि लव बर्ड्स के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत प्योर होता है, उनके बीच में कोई स्वार्थ नहीं रहता है और जो ट्रस्ट फैक्टर है बहुत स्ट्रांग रहता है।
इसी कारण अगर आप लव बर्ड्स को घर में यूज करेंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज क्रिएट करेंगे कि आपका जो एटमॉस्फेयर है, एक दूसरे का जो रिलेशनशिप है, ये लव बर्ड्स की तरह, यानी एक दूसरे पे आप बिलीव कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं एंड आपके रिलेशनशिप में सपोर्ट करता है। तो लव बर्ड्स बेसिकली तीन ऑप्शंस में आपको गोल्ड, एंशिएंट एंड रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज बेसिकली एक ऐसा स्टोन है जो आपके लव एंड रोमांस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। तो आप लव बर्ड्स को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं या फिर आपका जो बेडरूम एरिया है आपके बेड के आसपास प्लेस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ब्रेसलेट्स। ब्रेसलेट्स बेसिकली क्या होते हैं, क्रिस्टल के बीड्स है। हर एक क्रिस्टल कोई ना कोई प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। तो जब आप रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट यूज करते हैं तब ये शुक्र को एक्टिव करता है एंड वीनस प्लैनेट बेसिकली आपके लव लाइफ, रोमांस लाइफ, आपके लग्जरीज एंड आपके जितने भी सेटिस्फैक्शन है उन सबसे जुड़ा हुआ है। इन एडिशन इसमें सेवन चक्रा के बीड्स दिए गए, यानी आपके जो बॉडी के सेवन चक्रास है अगर उनमें कोई इनबैलेंस है, कोई ना कोई नेगेटिव है, तब ब्रेसलेट के एनर्जीज के द्वारा उनको बैलेंस किया जा सकता है। क्योंकि समटाइम्स आपके चक्रास में इनबैलेंस या ब्लॉकेज होने के कारण भी ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके साथ यंत्रास दिए जाते हैं। यंत्रास आप बेसिकली पॉकेट में या अपने पास रख सकते हैं ताकि यंत्रा के एनर्जीज एंड क्रिस्टल के एनर्जीज दोनों आपको सपोर्ट करें आपके रिलेशनशिप को मेंटेन करने में। इन एडिशन रोज क्वार्ट्ज में ही आप जैसे हार्ट शेप यूज कर सकते हैं। इसे बेसिकली आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं या फिर अपने बेड के आसपास प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि रोज क्वार्ट्ज एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोन माना जाता है जो आपके लाइफ में एक रोमांस फिल करके लव क्रिएट करता है एंड एक दूसरे पे जो भरोसा है वो बनाने में भी सपोर्ट करता है। तो रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट या फिर हार्ट शेप दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो इन द फॉर्म ऑफ माला, यानी कोई रेमेडी जिसको आप पहनना चाहते हैं हमेशा, तब आप माला फॉर्म में पहन सकते हैं। जैसे रिलेशनशिप जिब्बू माला है, इसमें बेसिकली एक जिब्बू स्टोन दिया गया है जो रोज क्वार्ट्ज का है। जिब्बू स्टोन बेसिकली उसमें नंबर्स एंड एक जिब्बू सिंबल दिया गया है। इन एडिशन अलग अलग क्रिस्टल्स अलग अलग प्लैनेट्स को एक्टिव करते हैं ताकि आपके आसपास का जो सराउंडिंग है वो पॉजिटिव रहे, ब्लेस्ड रहे, अट्रैक्टिव रहे एंड आपकी नेचर और कैरेक्टर में एक लव लाइफ क्रिएट कर सके। सो इन द फॉर्म ऑफ माला भी आप इसे पहन सकते हैं ताकि क्रिस्टल के जो वाइब्रेशन है आपकी बॉडी से कनेक्टेड रहे, एक्टिव रहे, ताकि इनके जो बेनिफिट्स है आपको मिल सके। अपने क्लाइंट्स के साथ जब भी बात करना शुरू करता है तब वो झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है या फिर जब भी वो किसी के साथ एक बॉन्ड स्टार्ट करना चाहता है वो कर नहीं पाता है, कनेक्शंस नहीं बिल्ड कर पाता है, तब इस सिचुएशन में भी ये माला उसको सपोर्टिव है ताकि क्रिस्टल की जो वाइब्रेशन है वो उसको सपोर्ट करे। जो नेक्स्ट रेमेडी ऑप्शन आता है वो है प्रोटेक्टर, यानी रिलेशनशिप प्रोटेक्टर। रिलेशनशिप प्रोटेक्टर बेसिकली एक ब्रास का बार है जिसके अंदर क्रिस्टल्स बिल्ड है। इन एडिशन एक यंत्र दिया गया, इस यंत्र को इस रिलेशनशिप बूस्टर पे प्लेस करके आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं ताकि बाकी जो वाइब्रेशन वो एक्टिव रहे। बूस्टर बेसिकली पॉजिटिव एनर्जीज को क्रिएट करता है। इन एडिशन जब आप इसे एक यंत्र के साथ प्लेस करेंगे तो सारे एनर्जीज यंत्र में कॉन्टेक्ट में आके उस रिलेटेड एनर्जी फील्ड को एक्टिव कर देता है। जब आप इसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस करेंगे तो आपका जो बॉन्ड रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाता है। जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है रेमेडीज में वो है पिरामिड्स। पिरामिड्स बेसिकली कोई भी एनर्जीज को 108 टाइम्स मल्टीप्लाई करने में आपको सपोर्ट करता है। तो पिरामिड्स आप रोज क्वार्ट्ज में या ब्रास का बनाया गया पिरामिड आप यूज कर सकते हैं। ब्रास का पिरामिड आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस करना है। रोज क्वार्ट्ज पिरामिड भी आप अपने बेड के आसपास प्लेस कर सकते हैं। पिरामिड जब किसी क्रिस्टल में या किसी मेटल के साथ कंबाइन हो तब उनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड जब आप इसके आसपास रहते हैं, इसको आसपास प्लेस करते हैं, तब उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है, उनकी जो एनर्जीज है वो आपसे मिलना शुरू हो जाता है। तो रिलेशनशिप में या आपके बॉन्ड में, ट्रस्ट में या फिर कोई भी सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल पा रहे उन सबको क्लियर करने के लिए पिरामिड्स भी आप यूज कर सकते हैं। यानी ब्रास पिरामिड साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको प्लेस करना है एंड रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड आप अपने बेड के आसपास प्लेस कर सकते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन आता है वो है टंबल्स। टंबल्स बेसिकली क्रिस्टल के पेबल्स हैं, छोटे छोटे स्टोन्स हैं जिसे आप अपने पास रख सकते हैं, अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, अपने बेड के आसपास प्लेस कर सकते हैं एंड स्पेशली जब आप सोते हैं तब रोज क्वार्ट्ज के कुछ टंबल्स आप अपने बेड के नीचे भी प्लेस कर सकते हैं। क्रिस्टल के जो वाइब्रेशंस है वो आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज देता है। रोज क्वार्ट्ज बेसिकली क्या करता है, वो शुक्र एनर्जीज को एक्टिव करता है। आपके जीवन में जो भी लव है, रोमांस है, सेटिस्फैक्शन है वो सब मिलना शुरू हो जाता है। रोज क्वार्ट्ज का एक और बेनिफिट है कि वो आपके लग्जरी एंड वेल्थ को भी डिनोट करता है। स्पेटिका पिरामिड बेसिकली क्या करता है, हमारे जो गुस्सा है, टेंपर है वो सबको कम करता है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हम बात करते करते गुस्से में आ जाते हैं, कुछ ऐसे गलत शब्द कह देते हैं जिसके कारण जो सामने वाला व्यक्ति है वो बुरा मान जाता है, उसके कारण भी आपके रिलेशनशिप को एक इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है। इसके लिए जो स्पिटिका का टंबल्स है इसे आप अपने पॉकेट में रखें, अपने आसपास कैरी करें ताकि आपके मन को काम रखें। जिनको गुस्सा आता है वो अपने पास हमेशा कैरी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वास्तु रेमेडी प्रोडक्ट्स परचेज करने तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको अवेलेबल हो जाएंगे।
और अगर आपको वास्तु क्लासेस में इंटरेस्टेड है, यानी जो वास्तु के एनर्जीज है, ये क्रिस्टल के जो एनर्जीज है, ये कैसे हमारे फेवर में ला सके, हमारे जितने भी विशेष है वो फुलफिल कर सके, जो भी हम काम करते हैं उस काम में करते समय जितने भी ऑब्स्टिकल्स है, ब्लॉकेजेस है, कैसे हम उन्हें ओवरकम कर सके, एंड जो फाइनल रिजल्ट है वो हमेशा हमें बेस्ट मिले, तो ये सब हमारे वास्तु क्लासेस में सिखाया जाता है। इन एडिशन 350 प्लस रेमेडीज, 45 देवतास एंड बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट इस वास्तु कोर्स में सिखाया जाता है। कोर्स रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्र, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। फाइव एलिमेंट के वास्तु स्वास्तिक पिरामिड और पाकवा क्रिस्टल ट्रेस पिरामिड्स में आपको लेड, ब्रास, वुड, क्रिस्टल, कॉपर, नाइन प्लैनेट्स पिरामिड, लॉकेट्स, राशि लॉकेट, पाकवा यानी दृष्टि मिरर, अष्ट मिरर और डूम मिरर मिल जाएंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।